वाला है गोलू इस समय गोल मटोल होके खा रहे हैं। अमेजिंग इलाहाबादी चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जलेबी प्लेट में भर कर तैयार है खाने के लिए और खाने वाले भी यहाँ पर तैयार हैं। जो भी हैं आज नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो नन्हे मुन्ने बच्चों का जो चैलेंज लगा हुआ है आज जलेबी खाने का चैलेंज लगा हुआ है। तो यह चैलेंज कैसे शुरू होगा और इसका टर्म और कंडीशन क्या होगा, आइए हम पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जलेबी की प्लेटें लगी हुई है, तो आज हमारा जलेबी ईटिंग चैलेंज है और बच्चों के बीच में है यह चैलेंज। और इस चैलेंज में कोई हम टारगेट नहीं दे रहे हैं, 150-150 ग्राम जलेबी रखी हुई है एक एक प्लेट में भर के, और जो बच्चा सबसे ज्यादा जलेबी खाएगा उसको मिलेगा 200 रूपये का पुरस्कार। तो देखते हैं कौन कौन सा बच्चा इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करता है, और काफी सारे बच्चे हैं यहाँ पर चैलेंज के लिए और इधर भी खड़े हैं, तो देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा जलेबी खाता है और इनाम की राशि लेकर जाता है। जैसे कि पवन जी बता रहे हैं कि छोटे नन्हे मुन्नों का चैलेंज है और नन्हे मुन्नों का चैलेंज देखने के लिए, उनके हौसले को अफजाई करने के लिए देखिए यहाँ पर बड़े बड़े भाइयों का भी सहयोग है कि देखते हैं कि हमारे जो बच्चे आए हुए हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, इनका हौसला कहाँ तक जाता है और जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे दर्शक कोई बच्चा जीतेगा ये तो कंपलसरी है कि कोई न कोई बच्चा, अगर कोई 50 ग्राम खाया है तो कोई न कोई 60 ग्राम जरूर खाएगा। तो देखते हैं चैलेंज को स्टार्ट करते हैं, कौन सा बच्चा पहले आता है। पहले विशाल जी आए हैं और ये चैलेंज में पार्टिसिपेट किए हैं, देखते हैं कितने ग्राम खा पाएंगे। आराम आराम से खाना भैया, और फिनिश करोगे तभी विनर होगे, जितनी फिनिश करे रहोगे उतना ही मान होगा, अगर मुंह में भरे रहोगे तो मान नहीं होगा। आराम आराम से खाना, हाँ बिल्कुल, ये नहीं जलेबी काफी सारे मुंह में भरे। तो पवन जी बच्चे मन के सच्चे होते हैं, उनको पता हो गया है कि हम मुंह में भरे रहेंगे तो हार जाएंगे। धीरे धीरे खाना है और पूरा पेट में जाना है, जितना खा सकते हो खा लीजिए। टाइमर चालू हो चुका है, 1 मिनट में जो सबसे ज्यादा बच्चा जलेबी खा लेगा उसे 200 रूपये का नगद पुरस्कार है। तो चलिए सब लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि कौन बच्चा आज 200 रूपये लेकर जाता है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बच्चों को देखकर बड़े भी एकदम शांत मग्न हो गए हैं कि देखिए, बच्चों को देखकर बड़े भी सोच रहे हैं हम जलेबी खा ले, लेकिन उनको खाने का मौका मिल नहीं रहा। देखिए पवन जी, जैसे कि बच्चों को तब मिलता था जब बड़े खाली करते थे, तो आज जब बच्चे खाली करेंगे तब बड़ों को मिल सकता है। तो बड़ों को भी जलेबी खिलाई जाएगी लेकिन बच्चों के बाद, बच्चों के उपलक्ष्य में। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, समय नहीं बताएंगे बच्चे अपने आराम आराम से अपने हिसाब से खाएंगे। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शाबाश। और पवन जी एक चीज है, जब बच्चे जो है बारात में जाते हैं, बहुत टाइम समाप्त हो गया और देखते हैं कितने ग्राम हो गई। ये खाए हैं 65 ग्राम, ये बच्चे आराम से खा लीजिए। 65 ग्राम बची है मतलब 85 ग्राम खाए हैं, देखते हैं कौन सा बच्चा 85 ग्राम से ऊपर जाता है। आप लोग देख रहे हैं अगले चैलेंजर के रूप में एक और बच्चा आ गया है, तो क्या नाम है आपका बच्चा? समित। समित जी आए हैं, देखते हैं कितनी जलेबी खा पाएंगे। और समित जी जलेबी खाने लगे हैं और मुंह में भरना मत, अगले चैलेंज में भी आए थे, जितनी खा पाओ उतनी खाना। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और चाचा जी बता रहे हैं चूर करके खाओ, बच्चे हैं आराम आराम से खाएंगे। नहीं, अब अपने हिसाब से खाओ, किसी के कहने मत खाओ, क्योंकि बच्चे चूर करके गड़बड़ा जाएंगे। और जो बचपन का जीवन होता है बहुत नटखट जीवन होता है, और यही जलेबी जब बारात में जाते हैं तो बच्चे दो नाथ मांगने लगते हैं, एक बार खा के आते हैं जल्दी से कहीं में जुट जाते हैं। तो आज यहाँ फ्री में खाओ यार, मतलब जलेबी खा सकते हैं। और बच्चों के जलेबी चैलेंज देखने के लिए काफी सारे हमारे बड़े भी आ गए हैं, बड़े भी आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कितना मुस्कुरा मुस्कुरा के सब देख रहे हैं बच्चों का चैलेंज, और देखते हैं कितने खाए हैं। और समित जी कितना खा चुके हैं? समित जी का 98 ग्राम बचा हुआ है, मतलब 52 ग्राम सिर्फ खाए हैं। समित जी ये ले लीजिए, आराम से, सिर्फ 52 ग्राम समित जी खाए। चैलेंजर के रूप में मनीष पटेल जी आ चुके हैं, देखते हैं कितनी जलेबी खाएंगे। शुरू हो जाइए मनीष पटेल जी।
मनीष तो यार कट्टा कट्टा मार रहे हैं, क्या बात है यार। सब चैलेंजर की तरह हम खाए और सारे में पूरी जलेबी समाप्त कर, हाँ सबको डरवा रहे हैं यार, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे खा के खाते रहो, ज्यादा मुंह में भर लोगे तो चबा नहीं पाओगे, ध्यान देना। पानी भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पानी पीते रहो, पानी का कोई टारगेट नहीं, लेकिन पानी जरूर पीना है क्योंकि गले से अंदर चला जाएगा। बस यार इतना ज्यादा पानी जिन पिया, और ये गजर ये हिल हिल के खा रहे हैं भाई, क्या बात है। शरीर में जगह बना रहा है, ये शरीर में जगह बना रहा है, हिल हिल के खा रहा है। अरे आज पैसा लेके जाएगा ये लड़का, हमको लग रहा है ये 73 ग्राम खाए हैं, 85 ग्राम 73 ग्राम खाए हैं, अभी 85 ग्राम से पहला वाला जो चैलेंजर आया था वही बढ़त बनाया हुआ है। अजय पटेल जी अगले चैलेंज के रूप में आ गए हैं, तो आप शुरू हो जाइए अजय पटेल, चलो शुरू करो। अरे यार ये तो लेकिन जो करने से पहले ही बाहर चूर कर ले रहे हैं, एक चीज जलेबी को निचोड़ निचोड़ के खा रहे हैं। निचोड़ने पे तो और गले में फंसेगी ना। नहीं नहीं जैसे मर्जी खाए, मुंह में नहीं रहना चाहिए, मुंह भी नहीं धोना चाहिए, तभी मानो। पानी लो पहले, आप जितना मर्जी खाए रहे क्वालिफाई हो जाएंगे। हाँ मुंह में भरा रहेगा तो आप निकल जाएंगे टारगेट से, जान के चलिए। सारी जलेबी खा लेंगे तभी आप हार जाएंगे। कहाँ तैयार है ए, बच्चों को कोई हवाई मत भाई, देखिए यहाँ बच्चों का हौसला बढ़ाइए, उनको जो है मत करिए, जल्दी जल्दी खाओ, वो अपने अपने आप खाएगा तो कहीं कुछ दिक्कत भी नहीं होगी उसको। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, चुप रहा टाइम समाप्त हो गया, देखिए कितना खाए हैं, 56 ग्राम बचा है इनका, तो मतलब ये 94 ग्राम तक चले गए हैं, बहुत बढ़िया। ताली बजा दो यार, ताली बज गई है। क्या नाम है ए बच्चा, क्या नाम है? अजय पटेल। अजय पटेल जो है इस समय ग्राम जलेबी खाए हैं, एक मिनट में अभी देखते हैं और फिनिश कर दिए 94 ग्राम, और बढ़त बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, और देखते हैं इनसे आगे कौन जाता है। जो विशाल को ये पीछे कर दिए हैं, तो अजय पटेल के लिए एक बार ताली और बजा दीजिए भैया, अजय पटेल जी के लिए ताली बजी रही है। देखिए हमको लगता है अजय पटेल ही जीतेंगे। चलो अगले चैलेंजर के रूप में कौन आ रहा है? हम कहेंगे शुरू हो जाइए, चालू हो जाओ सुरेंद्र, खाना चालू हो जाओ। किराना नहीं है, सिर्फ खाना है, और सुरेंद्र की दुकान यही है, उन्हीं के दुकान से ये जलेबी आई है। सुरेंद्र जी के बड़े भाई साहब की दुकान है, और भाई है उन्हीं की दुकान से जलेबी आई है, बहुत बढ़िया है, जलेबी खाने के शौकीन भी है मेरे को लग रहा है, जिस खा रहे हैं। सुरेंद्र कल जीते भी थे, फर्स्ट नंबर पे गए थे। अच्छा अच्छा जो देखते हैं फर्स्ट नंबर पे आएंगे, सेकंड थर्ड तो है नहीं, आज फर्स्ट ही है। आज केवल एक ही टारगेट लगा हुआ है, तो आज देखते हैं कितने उस पे आएंगे। गजब, हमको लग रहा है 150 ग्राम पूरी खा जाएंगे क्या यार। खाने की तो स्पीड पकड़े हैं, देखिए कहाँ तक पहुँचाते हैं, 10 सेकंड अभी बचा हुआ है, लेकिन ये है समय समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया है, और 46 ग्राम, और ये मान लीजिए 2 ग्राम और 48 ग्राम, मतलब 102 ग्राम तक पहुँच चुके हैं। गजब के यार, अजय पटेल को भी पीछे छोड़ दिए, ताली बजा दिए, अजय पटेल भी ये खा लीजिए आराम से, सुरेंद्र से पीछे हो गए हैं, एक आ रहे हैं और 102 ग्राम तक पहुंचे हैं, अभी देखते हैं 102 ग्राम से ऊपर कौन जाता है। देख रहे हैं आप लोग अगले चैलेंजर के रूप में सचिन जी आ गए हैं, तो देखते हैं सचिन जी कितने ग्राम जलेबी तक जा पाएंगे, और जलेबी खाना स्टार्ट कर दीजिए, शुरू हो जाइए, पानी नहीं दीजिए, पानी चलिए खाते रहिए, पानी मिल रहा है आपको, खाते रहिए खाते रहिए, बस पानी भी ले लीजिए, मारो आराम से खाओ, अपने हिसाब से खाओ, किसी कहने पे मत आना, आप अपने हिसाब से खाना, और बहुत बढ़िया कर रहे हैं बच्चे, मत देखना।
हंसा जी तू आप खा रहा बात नहीं जब मोड़े देखते हैं खा पाएंगे नहीं, अगर नहीं खा पाएंगे तो सबसे टॉप पे चल रहे हैं कौन? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी और उनको हम इनाम की राशि देंगे और जितने बच्चे बचे हैं उनको भी जलेबी बांट देंगे। समय समाप्त हो रहा है, 5 सेकंड बचा है, बच्चा खा लो जल्दी जल्दी। नहीं नहीं चलो हो गया, समय समाप्त हो गया पवन जी। और भाई साहब खाए हैं मतलब 80-85 ग्राम खाए हैं तो चलिए ठीक है। सुरेंद्र जी के लिए ताली बजाओ यार, सुरेंद्र जहाँ हो जल्दी से आ जाओ। तो अभी एक चैलेंजर और आ चुके हैं, सुरेंद्र जी को पैसा देने से पहले हम चाहेंगे कि भैया जी को एक बार फिर से खिलवा दीजिए, फिर से मतलब गोलू जी आ गए हैं इस चैलेंज में नया गोलमाल करने के लिए। तो गोलू जी शुरू हो जाइए, आप गोलमाल करना है शुरू हो जाइए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमको लग रहा है सुरेंद्र का नंबर कटने वाला है, गोलू इस समय गोल मटोल होके खा रहे हैं, मुंह में नहीं भरना है, ध्यान दीजिएगा मुंह में नहीं भरना है। अगर पूरी जलेबी मुंह भर लेंगे तो डिक्वालीफाई हो जाएंगे, आप जीतेंगे नहीं, आराम से खाएंगे, अगर फिनिश करेंगे थोड़ा थोड़ा खाके तभी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, शाबाश, फुर्ती से उतरे हैं गोलू जी इस चैलेंज में गोलमाल करने के लिए आ गए। भैया थोड़ा सा साइड हो जाओ, बहुत बढ़िया गजब, ये गोलू की जलेबी कहाँ गोल हो जा रही है यार, समझ नहीं आ रहा है, गोलू की जलेबी गोल गोल होके भाग जा रही है। नहीं ये भी इसमें नहीं है, 30 ग्राम मत दिए, मतलब 30 ग्राम और 20 ग्राम मतलब हाँ, लेकिन अभी देख रहे हैं मुंह में पूरा भरा है 20 ग्राम तो बहुत ज्यादा। जैसे कि ये भाई गोलू जी आए और चैलेंज में 120 ग्राम जलेबी अंदर कर लिए लेकिन मुंह के अंदर 20 ग्राम मतलब रह गई थी, तो जलेबी खाए तो इन ये भी 100 ग्राम खाए हैं और इनसे पहले जलेबी सुरेंद्र जी भी 100 ग्राम खाए हैं 102 ग्राम, तो दोनों को बराबर कर दिया जा रहा है, मतलब विनर किसी को नहीं बनाया जा रहा, दोनों को बराबर कर दिया जा रहा है, इनाम की राशि बांट दिया जा रहा है दोनों को, तो हम चाहेंगे सबके सब लोग एक बार ताली बजा, ताली बजा दीजिए यार, इस फैसले पर ताली बज चुकी है और सुरेंद्र और गोलू को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। देख रहे हैं ये दोनों भाई साहब जलेबी चैलेंज में जीते हुए हैं और दोनों करीब बराबर ही खाए थे, ज्यादा नहीं खाए थे, तो इन लोगों को भी मतलब इनाम की राशि हम थोड़ा सा भूल गए थे, मतलब ज्यादा व्यस्त हो गए थे बच्चों को जलेबी बांटने में और इन लोगों को इनाम की राशि नहीं दे पाए थे, तो आज हम इनको इनाम की राशि दे रहे हैं और इनका धन्यवाद कर रहे हैं। भैया पहले सर्दी तो सर्दी और मजा आवे और बच्चे आए हौसला दिखाए, बच्चों का धन्यवाद करते हैं। आप लोगों को चैलेंज कैसा लगा? बहुत सही लगा, मजा आया कि नहीं, जलेबी बढ़िया थी और बच्चे आए उत्साह दिखाए, बच्चों का धन्यवाद करते हैं और चाहेंगे एक बार बच्चों के लिए ताली बजा दीजिए। तो ताली बज गई, तो बच्चे इस पैसे को क्या करोगे तुम लोग? कॉपी किताब खरीदो, बस गोली वोली नहीं खेलोगे? ठीक है, कॉपी किताब खरीदिए, आगे बढ़िए, हम लोगों की आशीष है, आशीर्वाद है कि आप लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें। बच्चों का हम मुंह भी मीठा करा रहे हैं, जलेबी खाए थे ज्यादा कम मीठा था, रसगुल्ला खाए थे ज्यादा मीठा कम। और इससे पहले देखिए पवन जी आपके पीछे दिनेश खड़े हो चुके हैं, लाइक का इशारा करते हुए कह रहे हैं बहुत अच्छा आप लोग किए, एक नंबर जलेबी बनाते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आई बच्चों जलेबी की, नहीं बढ़िया थी, बच्चे बोल ही नहीं रहे, इशारे में ही बात कर रहे हैं और बच्चों का हौसला बढ़ाया, धन्यवाद करते हैं और देखते हैं ये जो जलेबी बच गए सब हम बच्चों को मार देते हैं और यहीं से वीडियो समाप्त करते हैं।